मैं अभिषेक कुमार गुप्ता। आज हम जो लोग टॉपिक लेके आए न्यूमेरिकल के लिए, ये एक सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपसे जो पूछा गया है, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा जो गिवेन है वो आप देख लीजिए। आपको 3000 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, ये क्वेश्चन में डेल्टा कनेक्टेड दिया हुआ है मोटर। क्लियर? और सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर फेज की जो वैल्यू दी गई है, ये तो पर फेज दिया हुआ है, ये आपको 8 ओम दिया हुआ है। आपसे बोला जा रहा है लीडिंग पावर फैक्टर है एंड इसकी वैल्यू क्या है, 0.8 है, और ये ड्रॉ जो कर रहा है, बस इस क्वेश्चन में क्या है, जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, करंट ड्रॉ करना। इस क्वेश्चन में पावर दे दिया है, क्लियर, कि मेन से जो एक्टिव पावर वो ड्रॉ कर रहा है वो 900 किलोवाट ड्रॉ कर रहा है, और आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ। क्लियर? यानी जो जनरेटेड, मतलब जो ईएमएफ की वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मोटर के केस में क्या होता है, ये क्वेश्चन एक सिलिंड्रिकल रोटर टाइप मशीन का ही है। क्लियर? ये आपका ईएफ, ये जो सर्किट हम ड्रॉ करते हैं क्या होता है, पर फेज, चूंकि रेजिस्टेंस के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो हम उसे 0 मान लेते हैं। ये आपका जे एक्सेस, टर्मिनल वोल्टेज वी टी, वी टी क्या होता है, फेज वैल्यू, और ये करेंट आगे। क्लियर? तो हमें ईएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो मोटर केस में ईएफ की जो वैल्यू आती है वो वी टी माइनस जे आई ए इंटू एक्सेस आती है। क्लियर? टर्मिनल वोल्टेज को हम जनरली रेफरेंस लेते हैं, ये हमारा वी टी रेफरेंस हो गया। करंट आपका क्या है, लीडिंग है, 0.8 पावर फैक्टर से क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है, यानी थीटा, और ये आपका आई ए। क्लियर? यानी कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, कॉस थीटा 0.8 होता है तो साइन थीटा की वैल्यू 0.6 होती है, ये हम लोग नॉर्मली जानते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं बात पे कि आखिर में इसमें अननोन वैल्यू क्या है। ईएफ हमें निकालना है, ये हमारे लिए अननोन है, आईए की वैल्यू हमें पता नहीं है, कि क्वेश्चन में डाटा अगर हम नोट करेंगे, डाटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, वीटी लाइन वोल्टेज दिया हुआ है आपको, वीटी लाइन दिया हुआ है आपको 3000 वोल्ट। क्लियर? आपको ये बोला जा रहा है कि एक्सेस की वैल्यू 8 ओम है, आपसे ये कहा जा रहा है कि पावर फैक्टर लीडिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और जो पावर इनपुट पावर जो ड्रॉ कर रहा है, क्लियर, वो है 900 किलो वाट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी अगर मुझे ईएफ निकालना है तो मुझे आईए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। देखो, वीटी का फेज वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, ये सारी वैल्यू क्या होती है, फेज वैल्यू होती है, एक्सेस की वैल्यू गिवेन है, आईए की वैल्यू मुझे चाहिए। तो अगर हम आईए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्वेश्चन वहीं में हमारा खत्म हो जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आईए की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आईए निकालने के लिए हम जानते हैं कि पी की वैल्यू क्या होती है, √3 VL IL cos phi। एक थ्री फेज के लिए हमें ये पता ही होता है, आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि डेल्टा कनेक्टेड है। क्लियर? √3 VL IL cos phi। अगर मैं वीएल की बात करूं, वीएल का मतलब क्या हो गया, जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है, जो उसका लाइन वोल्टेज है, वही हो गया। ठीक है, अगर हम यहां से आईएल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आईएल की वैल्यू मुझे मिलेगी 900 × 10³ अपॉन √3 इंटू वीएल की वैल्यू हमारी कितनी है, 3000 इंटू कॉस फाइव कितना है हमारा, 0.8 कॉस फाइव, यानी कॉस थीटा। क्लियर? ये आपका थीटा है। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो आईएल की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, ये आपकी आ जानी है, 3000 कैंसिल आउट कर दीजिए, 900 अपॉन √3 × 3 × 0.8, ये आपका आना है। क्लियर? 10³ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 10³ से कैंसिल आउट हो जाएगा, के एम्पियर आ गया लाइन करंट। हमें लाइन करंट से मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए उस केवीएल को सॉल्व करने के लिए, यानी उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फेज करंट चाहिए। फेज करंट मतलब आईए, आईए आपका फेज करंट है, आपको लाइन करंट पता है, और क्या है कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन होने का मतलब क्या हो गया, फेज करंट की वैल्यू लाइन करंट अपॉन √3 के बराबर होगा। क्लियर? तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 900 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू 3 इंटू 0.8। क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा 3 × 3 900 अपॉन 0.8, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 250 एम्पियर आना, यानी हमें आईए की वैल्यू मिल गई। इसी तरह हमें वीटी की वैल्यू भी निकालनी है,
वीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है डेल्टा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड केस में क्या होता है फेज वोल्टेज, वीटी का मतलब क्या है ये फेज वोल्टेज है आपका, जो हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं ई एफ वी टी ये सब क्या है फेज के टर्म में यूज करते हैं, तो इसे लाइन आप अलग से लिख लिया करो जैसे हमने ये लाइन लिखा हुआ है, क्लियर। तो ऑब्वियस ही बात है वीटी की वैल्यू क्या होगी, वीटी लाइन के बराबर होगा क्योंकि ये डेल्टा कनेक्टेड है, तो ये 3000 वोल्ट हो जाना, क्लियर। ठीक है, अब आते हैं हम अपने इक्वेशन पर। ऑब्वियस ही बात है हम वोल्टेज को क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, जब वोल्टेज को हम रेफरेंस लेते हैं तो वीटी को हम क्या लिख सकते हैं फेजर टर्म में, वीटी एंगल जीरो, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3000 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। आई ए चूंकि लीडिंग करंट है तो आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ए आपने निकाला है 250 और ये थीटा एंगल से लीड कर रहा है तो 250 एंगल थीटा एम्पियर, क्लियर। एक्सएस की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है, अब बस वैल्यू पुट करिए तो ई एफ इक्वल टू क्या हो जाना है वी टी यानी 3000 एंगल 0 माइनस जे आई ए की वैल्यू कितनी है 250 एंगल थीटा इंटू एक्सएस की वैल्यू कितनी है 8, क्लियर। ठीक है, ये क्या आ जाना है, देखिए कभी भी अगर आपको कॉस थीटा का वैल्यू पता है, जैसे यहाँ पे 0.8 है तो साइन थीटा की वैल्यू 0.6 आती है, तो यहाँ पे तो हम आसानी से इसको कर लेते हैं, क्लियर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस जे इंटू 2000 एंगल थीटा, एंगल थीटा को हम पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये पोलर फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस जे साइन, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी 0.8 प्लस जे साइन थीटा यानी 0.6, अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3000 माइनस जे 1600 माइनस माइनस जे स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 1200, यानी आपका आ गया 4200 माइनस जे 1600 वोल्ट। इसको हम क्या करेंगे सिंपली कैलकुलेटर की हेल्प से हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो जब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4494.44 एंगल आपका जो आएगा, ऑब्वियस ही बात है एंगल क्या आना है यहाँ पे निगेटिव, -20.85 डिग्री वोल्ट, क्लियर। तो यहां पे हमें क्या मिल गया ई एफ की वैल्यू मिल गई, क्लियर। तो ई एफ की वैल्यू आपसे यही पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा गया है कि एक्साइटेड ईएमएफ की वैल्यू क्या होनी है, ईएफ की वैल्यू, क्लियर। आपसे एक्साइटेशन ईएमएफ पूछा गया है कि एक्साइटेशन ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, यानी ईएफ की वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो ईएफ की वैल्यू क्या आ जानी है 4494.44 वोल्ट, क्लियर। यानी ईएफ की वैल्यू आपकी आ गई 4494.44 वोल्ट। कभी कभी आपसे पावर एंगल भी पूछ सकता है, तो पावर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियस ही बात है ई एफ और वी टी के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वही आपका पावर एंगल होता है, ये वी टी का फेज है, जब आप ई एफ का फेज बनाएंगे तो ई एफ आपका इसे लैग करता हुआ मिलेगा, क्लियर। ये आपका ई एफ का फेज मिलेगा और यही डेल्टा एंगल होता है, और ऑब्वियस ही बात है कितने एंगल से लैग कर रहा है वी टी के रेस्पेक्ट में, ये 20.85 डिग्री से, तो ये आपका पावर एंगल 20.85 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, आपसे इसमें और क्या चीजें पूछी जा सकती है, आपसे पूछा जा सकता है सिंक्रोनाइजिंग पावर, क्लियर, यानी पी की वैल्यू, पी की वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आपसे सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट भी पूछा जा सकता है, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट क्या होता है डीपी बाई डी डेल के बराबर होता है, यानी क्या होता है ये ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस कॉस डेल्टा, और इसकी यूनिट क्या होती है वॉट पर रेडियन, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आसान होता है, कोई मतलब टफ क्वेश्चन होते नहीं है ये, मेन क्या होता है पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, और मेन चीज है आपको ये जानना कि डेल्टा कनेक्टेड है स्टार कनेक्टेड है, उसके रिस्पेक्ट में आपकी चीजें कैसे वैरी करेंगी, क्या चीजें होंगी, ये चीज ध्यान रखना, और पावर का टर्म हमेशा रूट थ्री VLIL cos phi होता है, ये भी चीज आप ध्यान में रखें, ठीक है। और ये सारी लाइन वैल्यूज होती है, लाइन वैल्यूज को फेज में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद उसको KVL वाले इक्वेशन में यूज करना,
ये मेन आइडिया क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।